नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा। वर्तमान में जगह जगह पर गणेश उत्सव की जहां एक और धूम मची हुई है, तो वहीं गणपति विसर्जन को लेकर रामनगर से कुछ दूरी पर स्थित प्रसिद्ध गिरजा देवी मंदिर में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर हर रोज आसपास के इलाकों के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन और परिवहन विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के एक इलाके से कुछ श्रद्धालु मूर्ति विसर्जन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों से गिरजा देवी मंदिर पहुंचे थे। वापसी के दौरान गिरजा मंदिर से कुछ दूरी पर श्रद्धालु से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसमें करीब एक दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए थे। इसके बाद से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए SDM राहुल शाह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली में मूर्ति विसर्जन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। तो वहीं रविवार को SDM के आदेश के बाद परिवहन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने हल्दुआ बैरियर पर चेकिंग अभियान चलाते हुए करीब एक दर्जन वाहनों का चालान करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार श्रद्धालुओं को उतार कर उन्हें गिरजा मंदिर बसों से पहुंचाया। इस दौरान बसों की व्यवस्था परिवहन विभाग द्वारा की गई थी। तो वहीं रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान इस यात्रा में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जहां एक और हाईवे जाम का यातायात बाधित करने का प्रयास किया गया, तो वहीं नियम कानून की भी खुलेआम धज्जियां बनाई गई। ऐसे में SDM राहुल शाह ने कहा कि अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गणेश विसर्जन का इस समय पूरा माहौल चल रहा है, देखा जा रहा है कि लगातार अराजकता फैल रही है, हाईवे को जाम कर रहे हैं, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? अभी हल्दुआ बैरन में परिवहन विभाग की पुलिस विभाग की टीम है जो लगातार वाहनों को चेक कर रही है। इसके अलावा शहर में भी पर्याप्त संख्या में सभी जगह चेक पॉइंट पे चेकिंग की जा रही है। जो भी अराजकता करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रविवार को रामनगर में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने हल्दुआ बैरियर पर चेकिंग करने के दौरान जो गणेश मूर्ति विसर्जन यात्रा में जो ट्रैक्टर ट्रॉली से श्रद्धालु गिरजा मंदिर के लिए आ रहे थे, ऐसे सभी वाहनों को रोकते हुए परिवहन विभाग द्वारा करीब 11 वाहनों का चालान किया गया। उन्होंने SDM राहुल शाह ने बताया कि अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के एक इलाके से गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए कुछ श्रद्धालु गिरजा मंदिर आए थे, जो ट्रैक्टर ट्रॉली अन्य वाहनों में आए थे। वापसी के दौरान उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली गिरजा मंदिर के कुछ दूरी पर जाकर पलट गई, जिसमें करीब 15 श्रद्धालु घायल हो गए थे। उन्होंने बताया कि श्रद्धालु और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर उनके द्वारा संबंधित विभाग को आदेश दिया गया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में आने वाले श्रद्धालुओं पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और अराजकता करना वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। SDM राहुल शाह ने बताया कि आज प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है, हल्दुआ बैरियर पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली में यात्री या श्रद्धालु आ रहे थे मूर्ति विसर्जन में, उन्हें उन वाहनों से उतार कर परिवहन विभाग द्वारा बसों की व्यवस्था की गई है। इनको बसों के माध्यम से गिरजा मंदिर भेजने की कार्रवाई की गई। तो वहीं SDM राहुल शाह ने बताया कि अराजकता किसी भी तरह से सहन नहीं की जाएगी और उन्होंने कहा जो भी अराजकता करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि आज गणेश विसर्जन के दौरान कुछ जो है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, हाईवे को जाम करने की भी कोशिश की गई, लेकिन इसको देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने यातायात सुचारू कराया। तो वहीं प्रशासन भी अब पूरी तरह सख्ती करने के मूड पर है। प्रशासन का कहना है कि यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा करना प्रशासन का पहली प्राथमिकता है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएनयू। इधर रामनगर समाज संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएनयू के साथ। नमस्कार।